अभी हम बनाएंगे रोहन स्पेशल कढ़ाई मैगी। और ये देखो कंधा कांप रहा है। सबसे पहले आपको लेनी है मैगी, और मराठी में बता क्या, और देखिए गाइस ये लेना है पैन, मतलब ऐसे इसमें पानी डाल देना है गाइस 2 ग्लास। मैंने 2 ग्लास पानी से डाल दिया। अभी हम मैगी फोड़ के, पहले तो अभी इसकी गैस स्टार्ट करते हैं। वैसे हमने इसकी गैस की फ्लेम हाई रखी है और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। बस पानी तो कम पड़ गया क्योंकि 2 मैगी के लिए चाहिए ना, वो भी बड़ी वाली मैगी, तो इसमें और डाल चाहिए और जाएगा पानी और 1/2 ग्लास। अभी देखिए मैंने इसको उखड़ने के लिए डाला है, तो साइड में हम देखें और यहाँ पे अनुप कांदा काट रहा है, कांदा काट रहा है, इसको मैंने काम दिया है। अभी हम इस कढ़ाई में तेल डाल के गर्म करेंगे थोड़े कढ़ाई को। इस साइड में मैगी पक रही है, वो चाहिए धनिया, धनिया यानी सांबार, तो सांबार देखते हैं है कि नहीं। हाय गाइस, और ये देखो इसको उखड़ा गया, तो इसको लो फ्लेम पे रखते हैं। हमने कढ़ाई में तेल तो डाल दिया है, अभी फ्लेम को करते हैं हाय। इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए एक कांदा और इतना सांबार, धनिया इतना सांबार, और ये दो टमाटर चाहिए, और ये मिर्ची चाहिए बस। अभी डालेंगे इसके अंदर मैगी मसाला। कांदा हम बनाएंगे अलग तरीके की मैगी, ये अभी इसको मसाला डाल दें इसमें, सो ये अभी पकते रहेंगी। पहले हम लेंगे जीरा, सबसे पहले तो हम इसमें जीरा डालेंगे गाइस। डाल दिया है और ये भी फूल रहा है। रोहन ने जीरा काट लिया है, हमने कांदे भी डाल दिए देखिए। अब इसको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा, फिर डीप फ्राई करना है गाइस। मिर्ची बाकी है क्या? ये 2 लाल टमाटर और 1 लाल मिर्ची और 2 मिर्चियाँ हरी वाली, इसको भी हम पकने देते गाइस। सॉरी गाइस, 2 टमाटर नहीं डालने से, सिर्फ 1 ही टमाटर डालना है, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा। मैं देखिए हाय, मैं चॉपर, इसको भी हम फ्राई होने देते और ये पकी रही है। तो गाइस देखिए अभी हम डालेंगे इसे धनिया यानी कि सांबार, सांबार भी डाल दिया, अभी इसको खिलाते हैं। तो गाइस इसमें हमको स्वाद अनुसार 1 चुटकी भर नमक डालना है गाइस, थोड़ा सा जीरा और डाल दे, क्या था टेस्ट आएगा जीरा वाला, डाल दिया ऊपर से गाइस। और अभी हमको यहाँ इसमें नमक डालना है, नमक देखिए 1/2 चम्मच नमक डालना है, आधे से भी कम। नमक के साथ बहुत चमक रहे हो, शांत बैठ रहे। और थोड़ा सा ये भी डालना है धनिया पाउडर बस। मैं कट गई हूँ मुझे। और देखिए ये जीरा पाउडर और ये लाल मिर्ची, हल्दी बस, लाल मिर्ची आ गई। अभी इसको हमको सिर्फ हिलाना ही है, लाल मिर्ची भी आ गई। और अभी मिर्ची को डाल देते गाइस ऊपर से, और गाइस इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है और फिर इसको पकने देना है और थोड़ा हिलाते रहना है। अब इसको हम कर देंगे हाई फ्लेम पे, यह है गाइस कढ़ाई मैगी स्ट्रीट फूड टाइप का, इसको कर देते हैं लो। और इसको डाल देंगे अभी इसमें बस। अभी हम इस सो गाइस अभी हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इतनी सिर्फ गाइस इतनी हल्दी डालेंगे मैगी में, और नमक भी इतना बस।
और जीरा पाउडर भी डाल देंगे, अच्छा टेस्ट आता है गाइस। अरे देखिए हीरो तो सिर्फ इतने डाल देंगे, डालेंगे हम टमाटर और है बहुत मेहनत लग रही है। इस पर थोड़ा सा और नमक डाल देते हैं ऐसे करके स्टाइल में। सो गाइस सारे टमाटर तो डाल दिए, अब इसको अरे वाह क्या डाला है, जैसे चिपक गई। ध्यान से सुनना गाइस और ये रेसिपी ट्राई करना गाइस, इसको देख के आपके मतलब क्या बोल रहा था मुझे नहीं समझ रहा, ठीक है। इसको भी गाइस ढक दिया गाइस, या इसको भी हमने ढक दिया। और ये अनुप इसलिए चॉपिंग की है और ये ढक दिया इसको, लो 10 बार पानी में हाथ डाल के मेरे हाथ कैसे हो गए। और गाइस देखिए इसको अभी हमको लो फ्लेम पे पकने देना है, तो इसको सिर्फ अब इसको हम 2-3 मिनट पकने, मतलब 1 मिनट पकने देंगे। अभी वो परोसते हुए भी दिखाएंगा। हाँ गाइस स्वैग से करेंगे सबका स्वागत।